अब बात आगरा की करेंगे। आगरा में पुरानी धर्मशाला की खुदाई में 4 साल की बालिका की मौत और 3 लोगों के घायल होने के माहौल गर्म है। और इसी बीच बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ित परिवार को चेक देने पहुंचे। इस दौरान वो पीड़ित परिवार पर बिफर पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री योगेंद्र उपाध्याय धर्मशाला मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ितों से बातचीत करने और सहायता राशि देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी भाषा धमकाने वाली नजर आई और वो पीड़ितों को कहते नजर आए कि मैं अलग टाइप का नेता हूं, चेक चाहिए या नहीं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हम चले जाते फिर के कर लेना आप फिर इसीलिए बना कर काम हो रहा काम हो रहा बात सामने काम करने की बात हो रही है। एकदम हाउ हब तो चलेगा नहीं। और फिर मैं कुछ मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ, मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब, क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था? तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो, उसको जेल भिजवा दिया और क्या चाहिए, जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ आप, ये आप रखिए बाबू जी। आगे आगे हम कह रहे हैं बकाने की बात कर रहे हैं, आप बाबू जी आप नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लीजिए मोबाइल, भैया मोबाइल हटाइए भैया, अभी बात कर रहा हूँ, सर बात कर रहा हूँ, सब में आ रहे हैं हम लोग। आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना हमें मुझे लखनऊ पहुँचना है शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है, मंत्रियों की। अब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से रखिए, इसको रख लीजिए, दूसरी बात ये आप इसको संभाल के रखिए, दे 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 ठीक से बचा के मोड़ के। दूसरी बात ये कि आपका जो भी इलाज चलेगा वो सरकारी खर्चे पे होगा, जो दोनों बच्चे का इलाज चल रहा है ना, उसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर आपने कुछ दवा वगैरह का दिया भी है तो हमें दे दीजिए, ठीक है भाई। हाँ उसको दे ले हमारे पास। आप तीसरी बात बात ये मैं कर रहा हूँ, जो मकान बढ़िया बना रहे उसके लिए आप एक काम करिए, डूडा के डूडा के जो 6-7 लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 7 हो 6 हो 5 हो जो उनको डूडा का मकान अलॉट कर दीजिए, जिससे इनके रहने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सर। उन्होंने ये बोला था आपको अगर चेक लेना है तो मत लो, अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें, मेरे हमारी सरकार की हमारी कुछ वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से स्तर से अपने काम करो। अब संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मैं सड़क पर हूँ भाई, मेरे मकान का सब मलबा में माल दबा हुआ है, पैसे दबा हुए हैं, सब मेरा जो भी कुछ है उसमें, मैं तो आज की तारीख में बिल्कुल सड़क पर बेघर हो गया हूँ। अब 2 लाख का उन्होंने चेक दे दिया तो इससे मतलब मेरी कुछ संतुष्टि, और फिर 2 लाख के चेक के लिए मैं क्या कहूँगा? अब मेरी बच्ची तो चली गई, अब बच्ची की भरपाई तो पैसे तो करेगा नहीं उन्होंने ये।